हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं नेशनल हाईवे लेके आया हूँ इंडिया के। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने अपने नेशनल हाईवे को चेक करना है, और इवन और ऑड नंबर का क्या लॉजिक है, और उसके अलावा उसमें कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, जो आपके माइंड में रहने चाहिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज के चेयरमैन कौन है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो मेंटेन करती है नेशनल हाईवे, कौन कौन से हाईवे हैं हमारे इंडिया में जो है, किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरी अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके एक वीडियो आने वाली है इसके बाद, और इंग्लिश के सिनोनिम्स आने वाले हैं, करंट अफेयर आने वाले हैं, और इसके अलावा और भी जनरल साइंस के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, आप मैथमेटिक्स से लेके, क्वांट से लेके, या फिर रीजनिंग से लेके, आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिस्पांस करूँ। और अभी मेरे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं स्टेट्स को लेके, और स्टेट के पॉइंट्स क्या क्या आपको पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप उसको ध्यान रखें। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैं वही पॉइंट लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स अक्सर उनको छोड़ देते हैं, वो उनको ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि एक या दो क्वेश्चन छोड़ने से हमें कोई उसका प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, रिजल्ट के आपको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, और आप सब जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है, और उसमें एक या दो क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, पर वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और मतलब जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि वो आप क्या ड्रॉप करोगे, क्या नहीं ड्रॉप करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रॉपर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना इंडिया का रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, और इस जो हमारे नेशनल हाईवे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है इसकी डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1988 में बनी है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आती है। और एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, कि अभी थोड़े टाइम पहले नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग पास किया, सॉरी साइन किया है, फॉर सैटेलाइट मैपिंग ऑफ हाईवे। जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं उनको सैटेलाइट के थ्रू मैप किया जाएगा, और सैटेलाइट के थ्रू देखा जाएगा, वो इसरो के साथ देखा जाएगा। इसरो के साथ इन्होंने एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आज के जो हमारे चेयरमैन है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो है युद्धवीर सिंह मलिक, और मिस्टर युद्धवीर सिंह मलिक जो है वो चेयरमैन है। बट जो पहले चेयरमैन थे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो थे डॉक्टर योगेंद्र नारायण, डॉक्टर योगेंद्र नारायण इसके पहले जो थे चेयरमैन थे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्मॉलेस्ट हमारा नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है वो है NH-47A। NH-47A स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, और जिसकी लंबाई है, जो लेंथ है, वो जस्ट 8 किलोमीटर की है। और ये अब इसको आप ये कह सकते हो कि NH-9666B भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया या क्या है। अगर आप इसमें देखेंगे, आपको मैं बताता हूँ, जो नेशनल हाईवे 9666B है, इसका मतलब ये है कि जो नेशनल नेशनल हाईवे 66 है,
जो लास्ट के 2 डिजिट आप देख रहे हैं 666, वो उसका नेशनल हाईवे है, बट उसके साथ और जो सब नेशनल हाईवे कह सकते हो, या आप जानते हो कि नदियां होती हैं उनमें हम ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरीज एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है सहायक। ऐसे ही जो नेशनल हाईवे 666 आप देख रहे हो यहाँ पे 966 भी, जो इसका मेन हाईवे है वो 666 है, यानी कि 66 है, बट उसके साथ जो उसका ट्रिब्यूटरी जो रोड कह लो, नेटवर्क कह लो, या सहायक हाईवे कह लो, वो 9 है। तो ऐसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप इसको अगर आपको अगर कल को कहीं भी आप नेशनल हाईवे देखो 966 या कुछ भी, तो 666 जो है वो उसका मेन हाईवे है, मतलब प्राइमरी हाईवे वही है, बट उसके साथ और भी जो हाईवे निकलते हैं सब हाईवे आप कह सकते हो, या वो उसके साथ नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 ऐसे। तो जो ऐसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है वो है NH 47A, जो अब NH 966B कहा गया है। NH 44 जो है वो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, और जिसको पहले हम NH 07 कहते थे, जो पहले वाराणसी से कन्याकुमारी था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उससे होता हुआ कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहां तक एक्सटेंड हो गया है। तो अब जो है वो NH 44 है, पहले था NH 07। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। जो हमारे हाईवे हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। पहली कैटेगरी है एशियन हाईवे। एशियन हाईवे जो है उसको एशियन कंट्री मेंटेन करती हैं। सेकंड है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे बॉडी है उसकी अथॉरिटी है, वो मैनेज करती है। और लास्ट है, थर्ड जो है वो है स्टेट हाईवे, जो स्टेट अपने एरिया में, स्टेट अपने जो उसकी बाउंड्री है अपने विलेजेस के अंदर, अपने अर्बन एरिया के अंदर उसको मैनेज करती है, तो वो स्टेट हाईवे के अंदर आता है। तो अभी आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर भी एक एशियन हाईवे है, और वो है एशियन हाईवे 42, जो चाइना की एक प्लेस है, सिटी है, लंजू से होते हुए झारखंड तक आता है। झारखंड में एक जगह है भाड़ी, भाड़ी से तक पहुंचता है, और चाइना के जो जगह है सिटी है लैंजू, वहां से चलता है ये हाईवे, वहां से स्टार्ट होता है। अब जैसे और एक चीज बता दूं आपको, ये जो हाईवे है ये माउंट एवरेस्ट से निकलता हुआ नेपाल से काठमांडू से आता हुआ इंडिया पहुंचता है, मतलब आप ये कह सकते हो चाइना से ये चलता हुआ, चाइना से होते हुए फ्रॉम चाइना टू भाड़ी झारखंड, आप ये कह सकते हो कि इसका रूट है। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत से मैंने वीडियो देखी हैं उसमें मतलब मुझे ये नहीं मिला, बट ये एक कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया में एशियन हाईवे है कि नहीं है, अगर है तो कितने हैं, तो अगर और कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जनरल अवेयरनेस में। और आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उनको सोचते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हमारे वहां पूछी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कौन सा है, और मैं आपको बता दूं, ये क्वाड का आप मतलब जानते हो, क्वाड का मतलब होता है फोर, और जैसे क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होती है, उसके मतलब फोर साइड्स होती हैं, तो ऐसे ही ये एक हाईवे है जो 4 मेट्रो सिटी को बना जोड़ा गया है, जो 4 मेट्रो सिटी, ध्यान रखना सबकी सब मेट्रो सिटी हैं, मेट्रो सिटी को जोड़ के जो बना गया है उसको बोला गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है वो है चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। आप इसको देख सकते हो, इसकी लेंथ है 5,846 किलोमीटर, और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैप में ये जो रेड लाइन है आपको दिख रही होगी, दिल्ली फिर मुंबई फिर चेन्नई फिर कोलकाता से दिल्ली, ऐसे इनको जोड़ा गया है। ये भी एक रोड नेटवर्क है हमारा बहुत बड़ा, जो मेट्रो सिटी को जोड़ा गया है। आगे है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसको नॉर्थ साउथ से लेके ईस्ट वेस्ट तक जोड़ा गया है, और नॉर्थ में है श्रीनगर,
J&K से, जम्मू एंड कश्मीर से जो श्रीनगर है वो, और इसको जोड़ा गया है साउथ से कन्याकुमारी, तमिलनाडु से आप मैप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, वेस्ट ईस्ट की डायरेक्शन देख रहे हैं। ऐसे ही वेस्ट में है पोरबंदर जो गुजरात में है, और ईस्ट में है सिलचर जो असम में है। इनको जोड़ा गया है और इनको नाम दिया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आप इनका ध्यान नाम ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकता है कि वेस्ट में कौन सा है ईस्ट में कौन सा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल हाईवे को नाम कैसे दिया जाता है और आपको कैसे इसका आइडेंटिफाई करना है। जितने भी नेशनल हाईवे हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वो सारे के सारे इवन नंबर पे हैं, और जितने भी हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वो सारे के सारे ऑड नंबर पे हैं। मतलब कहने का, जो टॉप से बॉटम है वो है इवन नंबर, जो एक तरह से राइट टू लेफ्ट है वो है ऑड नंबर। बट जो मेजर हाईवे हैं हमारे, जो हमारे प्राइम बड़े बड़े हाईवे हैं जो बहुत सारी सिटीज को इकट्ठा इकट्ठा जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनका जो हाईवे नंबर होगा वो या तो सिंगल डिजिट होगा जैसे 1, 2, 3, और या डबल डिजिट होगा जैसे 47, 44, जो अभी आपने देखा पीछे। तो ये भी आप थोड़ा माइंड में रखें और आगे आप इसको ध्यान से देखना। मैंने इसके अंदर जो नेशनल हाईवे है मेन मेन वो मैंने ऐड किए हैं। आप सब जानते हैं नेशनल हाईवे 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, क्योंकि ये दिल्ली से होता हुआ इंडो पाक बॉर्डर तक पहुंचता है, जो अटारी बॉर्डर है हमारा वहां तक पहुंचता है, और जहां पे आपको जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा जो एयर सॉरी सबसे लंबा जो फ्लैग है इंडिया का, जो तिरंगा झंडा है वहां पे फहराया जाता है। तो ये वही बॉर्डर है जिसका नाम है अटारी बॉर्डर, और ये दिल्ली से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से फिर ये पंजाब तक पहुंचता है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला से फिर ये आगे लुधियाना, जलंधर, अमृतसर से होते हुए अटारी बॉर्डर तक पहुंचता है। तो ये है नेशनल हाईवे 01, जैसे पहले बताया गया था, जो हमारे मेजर हाईवे होंगे वो सिंगल डिजिट के होंगे या फिर डबल डिजिट के होंगे। ऐसे ही है नेशनल हाईवे 02, जो दिल्ली से धनकुनी यानी कि कोलकाता, जो दिल्ली से होते हुए कोलकाता तक जाता है। अब नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 03, जो आगरा से होते हुए मुंबई तक जाता है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 04, ठाणे जो मुंबई में है से होते हुए चेन्नई जाता है। ये बहुत बड़ा हाईवे है हमारा, काफी अच्छा हाईवे भी है, बहुत अच्छी लेन है यहाँ पे। और नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 07, ये वाराणसी से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है, जो सबसे पहले ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाईवे होता था, बट अब है NH44, जिसकी लेंथ बहुत बढ़ गई है एज कम्पेयर टू NH07 से। नेक्स्ट है NH08 जो दिल्ली से मुंबई है, नेक और NH15 जो पठानकोट से गुजरात जाता है। ये पठानकोट से होते, पंजाब से होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, यूपी होते हुए आगे ये गुजरात निकलता है। नेक्स्ट है NH44 जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, श्रीनगर से होते हुए कन्याकुमारी, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल हाईवे 59 जो अहमदाबाद से होते हुए उड़ीसा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हाईवे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ तक आते हैं वो इवन नंबर है, और जो ईस्ट से वेस्ट है वो सबके सब ऑड नंबर हैं। आप चाहे चेक कर सकते हैं अपने क्रॉस चेक करने के लिए, लेकिन अगर आप इसमें भी जाते हैं तो आप इसमें देखिए NH07 जो यूपी में है, और आप सब जानते हो कि यूपी जो है तो उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो आप वेस्ट में आप कह सकते हो, सॉरी ईस्ट में कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में जाता है, और उसका आपने देखा कि ईस्ट वाला जो हाईवे होगा उसका नंबर होगा ओड, और इसका ओड नंबर है NH07। और ऐसे बहुत सारे हाईवे हैं हमारे जो मतलब ऐसे देखा जा सकता है, लेकिन जो मेजर हाईवे होंगे उनको 01 और सॉरी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट से मतलब लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। जो हमारा वीडियो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये नेशनल हाईवे आप देखना जो क्लरिकल लेवल का होता है पेपर, उसमें आता है
जहाँ स्टेट लेवल का पेपर है उसमें वे भी आ जाता है, और कभी कभी SSC CGL में भी आता है। तो फ्रेंड्स इसकी का ध्यान रखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी वीडियो और आने वाली हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और अभी आपके सामने अभी अब इस वीडियो के बाद आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक वीडियो आ रहा है, उसके अंदर मैंने बताया है कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव हैं और कौन कौन से अभी प्रपोज हैं जो आने वाले हैं और काम चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, और मैनेजमेंट पेपर को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और ऐड करूं तो आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में भी रिप्लाई कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ आने वाली हैं। मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ देख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं सबके ये प्रार्थना करता हूँ, आप सबको जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, आप सब जल्दी जॉब पे लगें, आपको जॉब मिल जाए, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, रिस्पॉन्सिबल बन सकें, और आपकी फैमिली बहुत हार्डवर्क कर रही है आपके लिए, आपका जो हार्ड मनी है उनकी वो वेस्ट ना हो, और आपको आप जिंदगी में हमेशा आप आगे बढ़ते रहें, आप सक्सेसफुल रहें, यही मेरी मनोकामना है, यही मैं प्रे करता हूँ भगवान से। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।